हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम एमिली ए की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिस्टीरियस और एक इंटरेस्टिंग पोएम आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग तफसील से बात करेंगे कि ये पोएम पब्लिश कब हुई थी इस पोएम की जो फॉर्म या इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और कौन सी टोन में ये लिखी गई है इस पोइम की समरी क्या है और इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसिस इस पोएम में यूज़ की गई हैं उसके अलावा इस पोइम के इंपॉर्टेंट थीम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये पोएम जो है वो पब्लिश कब हुई थी एग्जैक्ट डेट जो इसकी पब्लिश होने की है वो 1896 है लेकिन जो कुछ राइटर्स हैं और स्कॉलर्स वही कहते हैं कि ये पोएम जो है वो 1861 के अराउंड लिखी गई थी तो इतना देर से ये क्यों पब्लिश हुई तो हम लोग जानते हैं कि एमिल डिकिसन ने अपनी लाइफ जो है वो ज़्यादातर बंद रह के गुजारी है तन्हाई में गुजारी है कमरे में बंद रहती थी वहीं बुक्स पढ़ती रहती थी और पोएम्स लिखती रहती थी तो ज़्यादा कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम पोएम्स जो हैं वो पब्लिश कराई थी ज़्यादातर उसकी जो पोएम्स हैं वो उसके घर वालों ने उसकी डेथ के बाद पब्लिश कराई थी एम एल दूसरे राइटर्स की तरह एटीन में जब सिविल वॉर का टाइम था तो वो राइटर ब्लॉक नहीं थी राइटर्स ब्लॉक ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है यानी कि जब हम ये जो टेक्निक है या टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी नाइनटीन में एक अमेरिकन साइको एनालिस्ट थे एडमंड उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी ये एक स्टेज है साइकोलॉजी की जिसमें एक स्किलफुल जो राइटर होता है वो उसकी लिखने की ख्वाहिश तो होती है लेकिन वो लिख नहीं सकता लेकिन एम एल ए डिकिन्सन इस स्टेज का शिकार नहीं हुई थी सिविल वार के दौरान उन्होंने उसी साल 360 सिक्सटी पोएम्स थ्री सिक्सटी लिखी थी यानी कि एक साल में एक दिन में एक से ज़्यादा पोइम्स लिखी थी और ये पोइम्स ऐसी नहीं थी कि फजूल सी हूँ जैसे बस भूत सवार किया हुआ हो किसी काम को करने का और उसे ऐसे कर दिया हो नहीं उनमें एक डीप थॉट और एक बहुत ही मैसेज अच्छा मैसेज करने था और यानी कि ग्रेट एक ऑब्जर्व की हुई चीज़ें जो थीं वो बयान की गई थी उन पोइम्स में ये इसकी पब्लिशिंग uh, हो गई उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पोएम की जो फॉर्म है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है अच्छा इसमें जो ये जो पोएम है आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन इसका जो स्ट्रक्चर uh, है वो आई एम्बिक टेंट्रामीटर जो टेट्रामीटर uh, जो लाइन्स हैं वो आई एम्बिक टेट्रामीटर यानी कि फोर लाइन्स कॉट्रेन स्टेंजा इस तरह से हो गया आई ट्राई मीटर और ट्रेट्रामीटर इसी में लिखी गई हैं फॉर्म हो गया उसके बाद ये जो इस पोएम की टोन है जब हम लोग पढ़ते हैं जब स्टार्ट में हम लोग स्टार्ट ही यानी कि इस लाइन से होता है आई फेल्ट फ्यूनरल इन माई ब्रेन तो ऐसे लगता है जैसे ना राइटर का जो है वो उसके शायद वो पागल हो गई हो स्पीकर जो है इस पोएम का ऐसे लगता है जैसे वो ना मैडनेस की तरफ जा रहा हो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके जहन में एक फ्यूनरल परफॉर्म हो रहा है तो ये जो पोएम है स्टार्ट में तो ऐसा लगता है जैसे ना वो जो स्पीकर है वो पागल हो रहा है लेकिन जब हम पढ़ते जाते हैं ऐसा लगता है जैसे ना हमें खौफ महसूस होता है कि उसकी जो स्पीकर की कंडीशन है वो किस तरह है किस तरह क्या चीज़ वो एक्सपीरियंस करे तो हम लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं ये इसमें दोनों के लिए जो हम रीडर्स हैं और जो स्पीकर है वो दोनों ही मतलब कि उनकी जो फीलिंग्स होती हैं चेंज होती हैं स्पीकर का जो अनकॉन्शियस है वो ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो गया हो और जो रीडर्स हैं वो उसके लिए सिंपथी रखते हैं ये हो गई इसकी टोन उसके बाद है कि ये इसकी स्टोरी क्या है इस पोएम की तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है आई फेल्ट फ्यूनरल इन माई ब्रेन जैसे कि लाइन्स से ही जाहिर है टाइटल से ही जाहिर है कि जो राइटर है ऐसे लगता है उसके ना वो कहती है कि जो स्पीकर है वो कहता है कि मेरे जहन में ना एक जनाज़े की एक फ्यूनरल की जो परफॉर्मेंस हो रही है आ, ऐसा लगता है कि किसी की डेथ हो गई है लोग आ, और ये नहीं कि वो सिर्फ सोच रही उसे वो कहते हैं नहीं मेरे ब्रेन में ऐसा रह, आ, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लोग आ रहे हैं वो मॉर्न कर रहे हैं और उनके जूतों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है और आ, जो उसके बाद जो सारी आ, वो होती हैं जो भी मतलब के परफॉर्म की जाती हैं ट्रेडिशनल उनकी जो कस्टम्स होती हैं वो सारी की सारी फ्यूनरल की परफॉर्म हो रही हैं तो ये स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी सी मतलब के सैड भी कि ऐसा लगता है जैसे राइटर जो है वो कहीं अपना उसका जहनी तो जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया लेकिन फाइनली उसको ऐसा लगता है कि उसको ना सा आवाज़ें सुनाई दे रही हैं पहले तो वो जो फ्यूनरल की सारी परफॉर्मेंसेस देखती रहती है लेकिन बाद में वो कहती है कि ऐसा लगता है जैसे मुझे ना आवाज़ें सुनाई आवाज आवाज दे रही और ये आवाज़ उसके सिर्फ जो स्पीकर है उसे आवाज़ें बेल्स की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही बल्कि जो मातम करने वाले लोग हैं वो भी सोग के ब्लैक ड्रेस में आए हुए हैं उनके भारी जूतों की आवाज़ भी उसको सुनाई दे रही होती है तो जैसे उन्होंने भारी लेदर के बूट पहने हुए हों उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है और उसके अलावा जो पूरी दुनिया में बेल्स की जो है रिंगिंग उसको सुनाई दे रही है लेकिन उसका जहन जो बिल्कुल ख़ाली हो जाता है वो उसका जहन इसका इस कदर खाली हो जाता है कि ऐसे लगता है इस ये आवाज़ जो है इस आवाज़ ने उसके जहन में सुराख कर दिया है उसकी वजह से वो राइडर जो है उसका जो सबकॉन्शस है ऐसा लगता है वो उसका ब्रेन जो है वो स्पीकर जो है वो गिरता है वहीं से इतनी गहराइयों में गिरता चला जाता है कि जब वो दुनिया से टकराता है उसकी जो सोच है जब वो दुनिया से कोलाइड करती है तो ऐसा लगता है कि पूरी जो यूनिवर्स है वो ब्लैंक हो गई है और उसकी जो मेंटल स्टेट है उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि अगर हम लोग गिरे अगर हम भागते हुए कहीं गिर जाएं तो सबसे पहले तो हम हम लोगों को एक हेड रश सा फील होता है कि हमारी आंखों के सामने अंधेरा जा छा जाता है हमें पता ही नहीं लगता हमें समझ भी नहीं आ रहा होता कि हम लोगों के साथ हुआ क्या है तो स्पीकर uh, ने भी अपनी वही स्टेट बयान की, की है कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है उसके बाद अगर इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो जो फ्यूनरल है वो उसकी मेंटल स्टेट को बयान कर रहा है हम लोगों ने पहले बात की थी कि जिस तरह इंसान का मूड होता है और जिस तरह की वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है अब ये सिविल वार का टाइम था जब पोइट ने ये पोइट्स ने ये पोएम लिखी है और सिविल वार के टाइम में दूसरे राइटर्स जब लिखने की कोशिश के बावजूद कुछ नहीं लिख पा रहे थे तब जी एमिन डिकिन्सन ने इतनी ही खूबसूरती से उसने अब जो कुछ ऑब्ज़र्व किया उसको हम लोगों के सामने पेश कर दिया है और जो फ्यूनरल है उसकी मेंटल स्टेट को बयान कर रहा है कि क्या चीज़ उसने देखी है और किस तरह से अब वो जो सैडनेस है और जो लोगों ने मतलब के ब्लैक ड्रेसेस पहने हुए हैं और वो सारा कुछ उसके जहन में चल रहा है वैसे अगर सोचा जाए इस बारे में तो ये कितना मतलब कि एक अजीब सी हम लोगों को फीलिंग आएगी कि क्या हो जाएगा जो जो लाइंस लिखी है यानी कि कितना अजीब लगता है कि एक जहन में फ्यूनरल की सारी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं सब कुछ हो रहा है बेल्स रिंग कर रही हैं तो पढ़ के ही थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन इस पोएम में जो कैपिटल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो मतलब के हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉपर uh, नाम होते हैं उसको प्रोमिनट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो उसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी बढ़ जाती है तो इस तरह से जो कैपिटलाइजेशन यूज़ की है इस पोम में तो इससे जो वर्ड्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा एग्जाजरेट हो जाती है अगर सोचा जाए इस तरह से कि अगर जो राइटर है जो स्पीकर है वो उसके जहन में ये सारी स्टोरी चल रही है क्या ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उसके कान से जो सुराख था उससे छोटे छोटे से जो बोने होते हैं वो घुस गए हैं उन्होंने वहाँ पर अपनो, अपनो एक सोसाइटी बनाई है और वहाँ पे वो लोग रह रहे थे उनकी डेथ हो गई है और उन्होंने फ्यूनरल परफॉर्म किया है तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना ये सारा कुछ एक इमेजरी बिल्कुल ऐसी ही क्रिएट होती है हम लोग ऐसे ही विजुलाइज़ करते हैं लेकिन जो असल में है वो अपने मुल्क की अपने जो सोसाइटी की इस वक्त की कंडीशन थी सिविल वार के टाइम की उसको वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं अपने इस पोएम से अब हम लोग देखेंगे कि इस पोएम में आ, कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई हैं सबसे पहले तो है इमेजरी सिम्बोलिजम मेटाफर और कॉनोटेशन इमेजरी क्या है अच्छा इमेजरी हम लोगों ने अभी बात की है कि फ्यूनरल की जो परफॉर्मेंस है अब ये तो नहीं है कि ये सिर्फ मतलब कि हम लोग सोचते हैं फ्यूनरल जब हम लोग वर्ड रीड करते हैं तो हमारे जहन में आ जाते हैं एक ग्लोमी सा और सॉम्बर सा इसकी ऐसी फीलिंग आ जाती है सैड सी लेकिन हम लोग इसे विजुलाइज किस तरह से करते हैं हम लोग देखते हैं ना कि जैसे जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो उसके जहन में काम कर रहे होंगे अब वो लोग मॉर्न कर रहे होंगे वो चल रहे होंगे वो सारे की सारी कस्टम्स जो हैं उनकी वो सारी परफॉर्म कर रहे होंगे और उसके जिनके बरियल हो रही होगी कुछ भी हो रहा होगा तो इस तरह से जैसे जैसे फिल्म चलती जाती है हमारे जहन में भी एक स्टोरी सी चल रही होती है जैसे एक, एक एनिमेशन मूवी हम लोग देख रहे होंगे सिंबोलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो बॉडी माइंड और सोल के जो सिंबल इस वेम में यूज़ किए गए हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये भी एक बहुत ही बड़ा मैसेज कन्वे कर रहे हैं पहले तो ये बॉडी uh, और सोल जो है ये स्पिरिचुअलिटी को एग्जैजरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे बॉडी uh, की बात नहीं हो रही फिजिकल जो डेथ है उसकी बात भी नहीं हो रही उसकी जो मेंटल स्टेट है ऐसे लगता है कि वो, उसकी जो सैनिटी है उसकी डेथ हो चुकी है जो पोइट्स है या जो स्पीकर है उसकी सैनिटी की डेथ हो चुकी है या फिर जो उसकी आजकल की वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है और मतलब कि एक ग्लूमी सा और साम्बर सा जो एटीट्यूड है स्पीकर का वो शो रहा शो हो रहा है और ये सारी चीज़ें जो है ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर रही हैं यानी कि वो अपने रिलीजन को भी प्रमोट कर रही है। ये पोएम जो है इसका इसमें सिमिली नहीं यूज़ की गई जो फ्यूनरल है वो एज अ सिमिली नहीं लिया गया बल्कि मेटाफर है इसमें यह कहा गया है कि जो आ, स्पीकर है उसकी बॉडी का कोई पार्ट लाइक उसकी जो सैनिटी है या फिर उसका सब कॉन्शियस जो है हम लोगों ने देखा है ना कि आ, ये ऐसे लगता है जैसे मैडनेस की तरफ क्रेजी हो रहा हो जो स्पीकर है तो उसका जो एक पार्ट है सब कॉन्शियस वो उसकी डेथ हो रही है फिजिकल डेथ नहीं है यहाँ पर अब उसके अलावा जो कॉनोटेशन है वो है फ्यूनरल जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अलावा जो कंट्रोल है यानी कि ये जो फ्यूनरल होता है उसमें भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही सारा काम होता है ना एक ऑर्डर में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा काम होता है कि पहले कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी है फिर क्या करना है फिर क्या करना है तो इस तरह से क्या है कि एक तफसली बात की गई कि यहाँ पर जो लॉस ऑफ कंट्रोल है जो स्पीकर है वो अपने उसके जहन के ऊपर उसका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया है यानी कि वो अनकॉन्शियसली सारा कुछ फ़ील कर रही हैं सारा कुछ कर रही हैं अब उनके क्योंकि जब ये स्टोरी ख़त्म होती है पोइम ख़त्म होती है फिर जो है वो स्पीकर को रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसे लगता है उसका जहन बिल्कुल खाली है बिल्कुल ब्लैंक है कुछ भी नहीं है उसमें तो यहाँ पर लॉस ऑफ कंट्रोल की बात की गई है उसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट थीम्स यूज़ किए गए हैं वो है मैडनेस हम लोगों ने देखा है कि पोएम जो है ऐसा लगता है कि नॉर्मल पर्सन तो नहीं लिख सकता ना वैसे भी सेंसिटिव पर्सन होते हैं जो पोइट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के वो ग्रेट ऑब्जर्वर होते हैं एम एल ने इस पोएम को यानी कि हम लोग अगर समझें तो एक मिस्टीरियस जो टोन यूज़ की गई है इस पोएम में उसने हम लोगों के इंटरेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है उसके अलावा जो मैडनेस है वो जो उसका एक डिसेंट सा यानी कि जो स्टार्ट हम लोगों ने देखा है कि ठीक है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे आएगी किसी की फ़िज़िकल डेथ लेकिन ऐसा लगता है जैसे जो सबकॉन्शियस में ये सारी बातें चल रही हैं स्पीकर के उसके जहन में चल रही हैं और उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि वो क्या सोच रहा है और क्या कुछ हो रहा है तो ये ऐसे लगता है जैसे ना वो पागल होने वाला हो ये एक तो मैडनेस का थीम हो गया उसके अलावा है नेचर ऑफ़ डिस्पेयर हम लोग जानते हैं कि जब इंसान जो उदास होता है गमगीन होता है या फिर उसके आसपास जो ऐसा माहौल हो जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग हो तो ऑब्वियसली राइटर भी वही लिखेगा जो उसने ऑब्ज़र्व किया है जैसा मूड वैसा मंजर होता है बिल्कुल वैसे ही यानी कि नेचर अगर आसपास की जो फ़िज़ा है बिल्कुल ऐसी है सिविल वार का जो टाइम है वहाँ पे तो क्योस uh, है तो वो स्पीकर और जो पोइट्स है वो भी तो यही लिखेंगे जो कुछ वो ऑब्ज़र्व करें उसके बाद है जी इैशनल यूनिवर्स हम लोग जानते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है उसके हम लोगों ने जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है वो भी तो यही है ना कि स्टार्ट में हर चीज़ एक जैसी थी बिल्कुल जी एक कायनात के आगाज़ में एक ज़ोरदार धमाका हुआ था फिर हमारा सोलर सिस्टम बन गया था तो जो उसके बिखरे हुए ख्यालात हैं उसके जहन में पोट पोइट के स्पीकर के जो कुछ वो सोच रहा है वो कहता है कि वो अपने लास्ट अंदाज़ में वो रिलेट करता है कि जो उसकी जो टूटी बिखरी सी आ, सोचे हैं उसके जहन में जो कुछ चल रहा है जो स्टोरी चल रही है वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही ख़त्म हो रही है हर चीज़ ऐसे ही हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है हर चीज़ को डेथ होने वाली है और हमारी यूनिवर्स भी बिल्कुल इसी तरह ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वो भी ख़त्म होती जा रही है